मैंने जवानी में अपनी बहुत जान मार ली है, अब तुम्हारी बारी है। जब तक कुक था मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब वो चला गया है तो अब तुम ही पकाओगी ना। तुमने क्या कुछ नहीं बनाया? मैंने सोचा था तुम पकाओगी तो मैं भी खा लूंगी। जी वो मुझे लगा मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे से अलग रह रही हूँ ताकि तुम अपने बेटे के साथ रह सको। तुम कम से कम उसकी माँ का तो ख्याल कर लो। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी फूफो हूँ जिसे रुस्वा करने का तुम पूरा बंदोबस्त कर चुके हो, और एक फूफो और भी है तुम्हारी जिसके बेटे का घर तुम बर्बाद कर रहे हो। जिस बात पे वो फोकस कर रहा था वो ये थी कि तुम परेशान मत हो, वैसे तो तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, और फर्ज करो अगर है भी तो हम बाहर चले जाएंगे। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही हो मोमना? तुम अगर अब भी उसके साथ जुड़ी रहोगी तो उसकी मौत और अपनी जिंदगी दोनों खराब करोगी। मोमना बीबी आ गई है क्या? नहीं सर। हस्बैंड की एक दो फोन कॉल्स ना उठाने पे और थोड़ा हार्श हो जाने पे कोई औरत तलाक का मुतालबा नहीं करती है। इस अचानक फैसले की वजह पूछ सकता हूं? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं मोमना। मुझे लगा मैं तुम्हारी लाइफ में मिसफिट हूं। मिसफिट तुम मेरी लाइफ में हो या मैं तुम्हारी लाइफ में हूं? मुझे तुम पे मुसल्लत कर दिया गया है। हाँ, इसका एहसास तुम्हें पाकिस्तान आ गई क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हो गया? तुम मुझसे लड़ने आए हो या मुझे मनाने? देखो मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाने आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रहने और पलने बढ़ने के बावजूद भी मैं अंदर से एक ईस्टर्न मर्द हूँ जो अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता है, जो ना घर बदलता है ना घर वाली, जो रिश्तों को जुड़े रहने पे बिलीव रखता है। अगर इतनी ही बुरी हो तो क्यों लेने आए हो मुझे? हाँ तुम बुरी हो। जो औरतें हस्बैंड से छोटी छोटी बातों पे तलाक के मुतालबे करती हो वो बुरी ही होती हैं। क्यों लेने आए हो मुझे यहाँ? क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो और मुझे अपनी इज्जत संभालनी आती है। हेलो, कौन? फहद बोल रहा हूँ। दाऊद कैसे हो? हाँ फहद, तुम कब आए? स्मृति हैरत की क्या बात है? हाँ नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड था ना, इसीलिए। चलो होती है मुलाकात। तो क्या मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था? क्या मतलब? मतलब ये कि किससे बात करनी थी? दीबा, दीबा से। आ गई है क्या? नहीं अभी तक नहीं आई। I'm really sorry यार, जिसके लिए तुमने कॉल की थी ना उससे तुम्हारी बात नहीं हो सकती। सॉरी
सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, पैकिंग कर लो। मोमिना, क्या हुआ, ये बात कैसे आ गया? मैं शहर बानो बात कर रही हूँ। ओह सॉरी पप्पो, मैं समझा मोमिना है। मोमिना अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती है बेटा, इसलिए उसकी कॉल का इंतजार करना छोड़ दो। क्यों पप्पो, फहद से क्या उसकी सुलह हो गई? उसने फहद से समझौता कर लिया है, इसलिए कि तुम दोनों अब अपनी मोहब्बत निभाने की पोजीशन में नहीं हो। फहद अचानक ही चला आया उसे मनाने और मैंने मोमना को राजी कर लिया उसके साथ जाने के लिए ताकि उसका घर बच सके। कोई माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहती है, और तुम जानते हो कि अगर इस बार उसका घर उजड़ जाता तो फिर शायद ना बच सकता। बस उसे अब अपने घर का होने दो और तुम खुद भी अपने घर लौट जाओ, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ के पास, और अपने मरने की तैयारी करो। अल्लाह ना करे बेटा कि कभी ऐसा हो, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी दे दे, तुम अपने घर में खुश रहो, अपने बेटे की खुशियां देखो। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे मोहब्बत करने में तुम नाकाम हो गई। तुम्हें क्या लगता है, जिस तरह तुमने मुझसे शादी कर ली, मोहब्बत भी कर लोगी? ऐसा नहीं है। मगर मोमना, अपनी जिंदगी कमांड कभी अपने दिल के हाथों में मत देना। दिल का हर फैसला ठीक नहीं होता, ये कभी कभी इंसान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। औरत की इज्जत, उसका माशरे में मकाम, उसके दिल की ख्वाहिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बस एक यही फर्क होता है एक शरीफ और बदनाम औरत में, कि एक शरीफ औरत का दिल उसके इख्तियार में होता है और एक बदनाम औरत अपने दिल के इख्तियार में होती है। अगर तुम मेरी खाला की बेटी ना होती और मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती, तो मैं तुम्हें इस जिल्लत के समंदर में रुसवा होने के लिए वहीं से तलाक भेज देता। लेकिन मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को चांस दें, और अगर फिर भी तुम्हें यह लगे कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कहना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अल्लाह का नाम लेके आप मेडिसिन खाना शुरू करें, रोजाना 2 गोलियां। जी हाँ, लेकिन ये गोलियां मुझे जिंदगी तो नहीं दे सकती ना? जिंदगी तो अल्लाह देता है। कहा आपने, लेकिन उसने अलार्म सेट कर दिया। लगता है जैसे जैसे किसी ने मुझे झोलियां भर भर के बदवाएं दी हैं।
अचानक जिंदगी की गाड़ी ने यू टर्न लिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों जिंदगी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की इसको बहलाने की। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। आपको पता है मुझे क्या फील हो रहा है? जैसे किसी पेंटर ने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो, उसमें बहुत से रंग भरे हो, और फिर अपने हाथों से उस पे स्याह रंग फेंक दिया। जाना तो सबने है, आज किसकी बारी है, कल किसी और की बारी है। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, कल का क्या पता, कल की रात देख भी सकता हूं या नहीं। हम में और आप में सिर्फ फर्क इतना है कि आपने मौत को अपनी तरफ आते हुए देख लिया है, बल्कि मैं तो कहूंगा आप लकी हैं कि आपको पता चल गया आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकते हैं, सारे कर्ज उतार दें, सारी जिम्मेदारियां निभा दें, सब कहा सुना बख्शवा के हल्के फुल्के हो जाए। और आपकी कजन कहाँ है जो कल आई थी आपके साथ? नहीं आ सकी, का हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। हर कोई ही अपनी जिंदगियों में मगन है, सिर्फ एक जीवन साथी ही होता है जो ऐसे मौके पे आपका साथ देता है। एक पर्सनल सा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आपका अपनी बीवी से दोबारा पैचअप हो सकता है? मतलब क्या वो इस काबिल हैं कि उन पे दोबारा भरोसा किया जा सकता है? और आपका बेटा भी बहुत छोटा है जिसका आप पे पूरा पूरा हक है, तो क्या आप अपनी नाराज़गी में उसे भी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बच्चा, मेरी बीवी मेरे घर पे हैं, मैं उनसे अलग रह रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, फिर तो आप उनकी ज़िंदगी में वापस लौट जाएं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आपकी हालत का सुनकर उन पे क्या गुजरेगी। हमारे मुल्क में तो शोहर ही बीवी का सब कुछ होता है, और वो और आपका बच्चा आपके इस वक्त के पूरे पूरे हकदार हैं। आपके चले जाने से उन्हीं की ज़िंदगी में खल आएगी। रज़ाक प्लीज एसी बंद कर दो, सर्दी लग रही है। और गाड़ी पुराने घर ले चलो।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? कैसे हो? अच्छी हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। आप इसे ले तो नहीं जाएंगे? जब तक हूँ तब तक उठाने दो, मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा ही है। और उनसे नया बीबी से कहो खाने में जरा नमक कम रखा करें, कल बहुत ज्यादा था, और जल्दी तैयार करें खाना। जिन्होंने खाना तैयार कर लिया बीबी जी। तो फिर उनसे कहो आए और आकर लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालें। जाओ। अरे मेरा बेटा आया है, आओ आओ आओ। कैसे हो? ठीक हो? बैठो। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मोमना नाराज होगी, मुझे बता देते ना, मैं आ जाती हूँ नैत को लेकर। बस आपको देखने का जी चाह रहा था इसलिए आ गया। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है शायद। ये तुम्हें क्यों बार बार बुखार हो रहा है? पता नहीं, तुमने काम को बहुत सवार कर लिया अपने सर पे। छोड़ो ना, कुछ दिन की छुट्टी लो और बाहर चले जाओ। यही सोच रहा हूँ, छुट्टी लूँ और बाहर चला जाऊँ। मोमना की मोहब्बत ने तुम्हें फिर से वैसा बना दिया। पता है कितने दिन के बाद तुम इस तरह आकर मेरे पास बैठे हो? जी आंटी, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें कहा था कि लॉन्ड्री में कपड़े भिजवा दो, भिजवाए तुमने। अगर कोई काम नहीं करना होता तो उसी वक्त मुझे जवाब दे दिया करो। नहीं, वो मैं भूल गई असल में। देखो, इंसान जब गैर जरूरी होता है ना, तो फिर वो अपने काम से लोगों की जरूरत बनने की कोशिश करता है। कहाँ से उठा लाई हूँ मैं इसे। दाऊद कहता रहा इससे शादी मत करें मेरी, इससे शादी मत करें। मैं नहीं मानी। मैंने सोचा यतीम लड़की है, मेरे घर में रहेगी, खाए पिएगी, मेरी एहसान मंद होगी। लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होगा। अब जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो, जाके कपड़े निकालो। क्या आज का दिन भी जाया करना है? अगली बार जब आऊंगी तो उस दुनिया में ही नहीं होगा। एक बार मुझे उसकी आवाज सुनने दे, प्लीज प्लीज एक बार। ऐसी आवाजें नहीं सुनते मोमना, जो आपको पत्थर का बना दे। प्लीज एक SMS तो करने दे। कल सुबह जब तुम एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी तो तुम्हारी सिम मैं अपने सेलफोन में डाल के उससे उसको SMS कर दूंगी। तुम अपने सेल में ऑस्ट्रेलिया वाले सिम लगा लेना। तुम अपने शौहर के पास जाओ बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शोर ना मचाओ, उठ गए? चाय पियोगे? नहीं, थैंक यू। इधर ही सो गए?
बड़ा लंबा सोए हो तुम। आदत डाल रहा हूँ लंबा सोने की। सुनो, आज तुम इधर ही रुक जाओ मेरे कमरे में। वहाँ अकेले घर में क्या करोगे, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मोमना को फोन करके बता दो। उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया। मोमना नायाब के साथ रहने पर राजी हो गई? मोमना फहद के साथ रहने पर राजी हो गई। हमारी शादी नहीं हो सकती है। क्यों, क्या मतलब? उसे तो तलाक मांग ली थी ना, फैसला कर लिया था, फिर ये अचानक क्या हुआ? मुझे खुद नहीं पता मम्मी, फैसला कहां से आया? इसका तो बिल्कुल इम्कान नहीं था मुझे। कुछ तो कहा होगा ना, कोई तो बहाना बनाया होगा। बस वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकी। उसको लगा कि मैं उसका अच्छा हम सफर नहीं बन पाऊंगा। तुम उसके लिए अच्छे हम सफर नहीं बन सकोगे, उसको ये लगा? तुम जिसने अपनी जिंदगी जहर कर ली है उसकी खातिर, तुम उसके अच्छे शौहर साबित नहीं होगे? हो सकता है जिस एंगल से वो मुझे देख रही हो, मैं उसको बहुत ही कमजोर और खोखला सा आदमी लग रहा हूं। एक ऐसा शख्स जो उसे माशरे की ज्यादतियों से नहीं बचा सकता और उसको आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा। आधे रास्ते में तो वो भाग रही है, तो पहले ही हैरान थी। ऐसे ही हैं ये तुम्हारे ददियाल वाले, ये मोहब्बत की सौगतें उठा ही नहीं सकते। इनको तो बस आसान आसान मोहब्बतें चाहिए, जहां मुश्किल पड़ी वहां भाग लिए। अपने भाई का घर तो आबाद कर गई वो कितनी चालाकी से, और अपना दामन साफ बचा गई जब उसकी बारी आई। हमें वक्त ने उन्हें साबित किया है कि मैं किसी भी औरत को बीच रास्ते छोड़ के जा सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया तुमने? अगर हमें खुदा का खौफ ना होता तो हम बच्चा छीन कर नायाब को उसके घर रवाना करते। कौन था जो इस ज्यादती पर हमसे बाजपुरस कर सकता था? अल्लाह। यतीम की बाजपुरस करने वाला अल्लाह होता है। पता है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि उस शख्स पे जुल्म करने से डरो जिसका अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता। नहीं तो हमने कौन सा जुल्म किया है? दूसरी शादी की तो हमारे मजहब ने भी इजाजत दी है, और वो रह तो रही है यहाँ। दूसरी शादी की इजाजत दी हमने, जुल्म करने की नहीं। कितनी सफाकी से इस लड़की को कहा कि बच्चा मुझे दे दे और कहीं भी चली जाए। बेसहारा लड़की से उसका बच्चा छीनने का फैसला सुनाया मैंने उसको। जुल्म की इजाजत अल्लाह नहीं देता। इस लड़की पे मेरा हक है, उसको इस छत की जरूरत है, हमारी सरपरस्ती की जरूरत थी। नहीं देखा वो किस तरह गिड़गिड़ा रही थी अपने बच्चे के लिए, यहां पे रुकने के लिए किस तरह से रो रही थी। और फैसला सुनाते हुए आपने मेरा मुतकब्बर चेहरा भी नहीं देखा। अल्लाह को इस पर रहम आ गया अम्मी, इसीलिए उसने मेरे तमाम रास्ते बंद करके मुझे इसके सामने ला खड़ा कर दिया। और मोमना, मेरे साथ जिंदगी भर गुजारने की कसमें खा गई वाली लड़की, एक ही रात में घबरा के आसान जिंदगी गुजारने चली गई। दाऊद बस करो, चलो छोड़ो, भूल जाओ, दफा करो उसे। देखो तुम फिर से अपने दुख और पछतावे के खौल में बंद मत हो जाना, मुझे तुम्हारे दुख से बहुत डर लगता है। मेरा दुख तो सबको उठाना।
कुदरत जरा जरा करके मेरा दुख सब में बांट देगी। जितनी देर मैं रो सकूंगा रोऊंगा, उसके बाद सबको रोना होगा। खुदा ना करे हम क्यों रोएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा बुखार है, दवा खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं दाऊद, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा ना ठीक हूँ। आप कहीं जा रही हैं तो जाएं। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ना इस वक्त। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस ऐसे ही थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। एक बेटे के बाप की तरह इस दुख को झेल लूंगा मैं। अब टाइम बदल गया अम्मी, मैं किसी नाकाम आशिक की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। आई एम फाइन, ऑनेस्टली आई एम फाइन। मैंने पहले ही बहुत वक्त जाया कर लिया, और वार नहीं करना चाहता। अरसे के बाद मेरा बेटा यतीम हो जाएगा, लोग तर्स खा के इसके सर पे हाथ फेरेंगे। तुमने जो कुछ एक यतीम लड़की के साथ किया है तो उसी की सजा है कि तुम्हारी औलाद को यतीम कर दिया जाए। चले उन्हें तो मैं नीचे जाना है। क्यों? रात का खाना बनाना है। रुको एक मिनट। हाँ सुनो, अपार्टमेंट लॉक करके चाबी चौकीदार को दे दो और घर आ जाओ, बड़े घर में। हाँ हाँ अभी आ जाओ। बीबी जी वो दूध के लिए पैसे कम पड़ गए और बेगम साहिबा ने और भी सामान मंगवाया। फिर ये रात को क्या पिएगा? अच्छा मामी जी अभी आती हैं तो उनसे ले लेना। नहीं नहीं रोको, ये लो जाओ। कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं जाओ। कहाँ जा रही हो? किचन में। लेकिन इसको साथ लेके जा रही हो, वहां तो बहुत गर्मी होती है। हमें आदत हो गई है। मैंने कुक को बुलवा लिया है, आ जाएगा। मम्मी जी ने कहा है कि खाना मुझे ही बनाना है। हम सिर्फ दो लोग हैं, कुछ ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। नौकरों के लिए खाना बनाना है मुझे। बीबी जी ये साहब ने खाना मंगवाया और कहा है कि लगवा के मुझे बुला ले। ठीक है मैं लगा देती हूँ। जब को आ चुका है तो फिर तुम क्यों किचन में काम कर रही हो? जाओ तुम जाओ, उसको बुला के लाओ।
तुम लोग का खाना तैयार है, डाल लेना। सुनो। जी सर। खाना लगाओ और नया बेबी को बुला के रहो। तुम मेरे कमरे में चाय रखना ही भूल गई? नहीं, वो मैंने सोचा कि अब कुक है तो तुम्हारी हैसियत बदल गई है। जानती हो मेरे घर में कितने मुलाजिम थे, फिर भी मैं अपनी सास का हर काम अपने हाथ से करती थी। वो मेरी बनाई हुई चाय पीती थी, मेरा बनाया हुआ खाना खाती थी। आप दादी के जुल्म का बदला उससे क्यों चाहती हैं? उसका मतलब अगर दादी ने कुछ किया, डैड ने कुछ किया, तो उससे क्यों आप बदला ले रही हैं? लेकिन दाऊद, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, दवाइयाँ किस चीज की हैं? जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसान दवा खाता है, वैसे ही बीवी से मोहब्बत को कंट्रोल करने के लिए भी एक दवा होती है। मैं वही खा रहा हूँ, लेकिन हैरत की बात है ना, अब उसका असर नहीं हो रहा, प्यार बढ़ता चला जा रहा है।